Hey everyone, welcome back once again to your very own channel that is Maths Zone. ये अभी और अभी एक चैनल नहीं रहा, ये हमारा एक फैमिली हो गया है. देखते देखते दिस इज अवर 49th एपिसोड ऑफ संडे वाणी और एक एपिसोड हम दूर है हमारे 50th एपिसोड में, जो कि एक स्पेशल एपिसोड होने वाला है. उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ. तो इतना दूर तक आने के लिए, आप लोग का लव अफेक्शन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अभी तक अगर आप लोग चैनल में हमारे फैमिली में ज्वाइन नहीं हो तो रेड कलर का बटन दिख रहा है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो. तो और ज़्यादा और देरी ना करके हम डायरेक्टली टॉपिक में आते हैं. तो आज जैसे कि आपको पता है दिस इज़ संडे एंड प्रीवियस ईयर यही 20th जून संडे में आया था. एंड संडे हम जो 20th जून होता है उसको हम फादर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. ऐसे तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो ऐसा कुछ स्पेशल फादर्स डे नहीं होता, बट ऐसा ये एक दिन रहता है मदर्स डे फादर्स डे, जिसमें कि हम उन लोगों को थोड़ा सा मतलब विश करके थोड़ा सा उनको स्पेशल फील करवाते हैं. तो चलिए आज भी ऐसा ही कुछ करके हमारे जितने भी पापा हैं, जितने भी आप सबके पापा हैं, सबको थोड़ा सा स्पेशल फील करवाते हैं. वो कहीं ना कहीं हमारे पास रहते हैं, कोई ना कोई थोड़ा से दूर में रहते हैं, बट जहाँ पे भी रहते हैं हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे साथ ही रहता है. चाहे हम उनके पास में हों, चाहे हम उनके दूर में हों, चाहे वो कहीं पे भी हो, ठीक है, तो उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है, मम्मी और पापा का, ठीक है. तो बस यही था आज का टॉपिक. तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं टॉपिक. आज वैसा कुछ स्टोरी वगैरह मैं नहीं सुनाने वाला, बस थोड़ा सा जो फीलिंग्स है जो कि मैं प्रीवियस ईयर्स भी आपको शेयर किया था, आज भी कुछ नया कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. पूरा जो है वही शेयर करना चाहता हूँ. और आप लोग भी आपका कुछ भी वैसा फीलिंग, कुछ भी वैसा मोमेंट्स जो भी आप लोग आपके पापा के साथ फील किए होंगे, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो. मैं बहुत अच्छा लगा मुझे उसको पढ़ के सुनाने में और सुनने में और सबको पढ़ने में, ठीक है. तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू. जितने भी फादर्स ये वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी जन देख रहे हैं, वो लोग भी आपके फादर्स को दिखा सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं. तो हैप्पी फादर्स डे ऑल ऑफ यू, चाहे वो मेरे पापा हो, चाहे वो आपके पापा हो. पापा तो पापा ही रहते हैं, मम्मी तो मम्मी रहती है. जैसे मदर्स डे में मैंने एक वीडियो लाया था, वैसे ही दिस इज द स्पेशल वीडियो फॉर फादर्स डे. तो फादर्स तो फादर्स ही रहते हैं, चाहे वो मेरे हो आपके हो. बट ये बात तो हमने, आपने, मैंने और सबने सीखा हो कि पापा जो होते हैं वो कभी भी कुछ भी शेयर नहीं करते हमारे साथ, ठीक है. चाहे वो मतलब जितने से भी जितना उनको प्रॉब्लम हो जाए, बट वो कभी भी हमको शो नहीं करवाते कि उनको ऐसा प्रॉब्लम कुछ फील हो रहा है, ठीक है. मन में ही उसको मतलब करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे, बट कभी भी मम्मी पापा या फिर दीदी भाई लोग के साथ कभी भी शेयर नहीं करेंगे, ठीक है. तो बस आज का ये वाला वीडियो है वो सब पापा को डेडिकेट करना चाहते हैं हम, जिसमें से कि उनको भी थोड़ा स्पेशल फील होना चाहिए कि आप पापा हो और आप भी स्पेशल फील बनता है आपके लिए भी, ठीक है. तो बस यही है कि हमेशा याद रखना कि जो भी पापा होते हैं हमारे, वो बचपन से लेके जब तक आप हो तब तक वो आपके साथ ही रहता है हमेशा, उनका ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ ही रहता है. तो कभी भी जब भी कुछ भी काम कर रहे हो, हमेशा याद में रहना चाहिए आपको ज़िंदगी में कि मम्मी और पापा वो दो ही इंसान होते हैं जिनको कि आपको कभी भी दुख नहीं देना, ठीक है. ये बात हमेशा याद रखना, ये मतलब बहुत एक बड़ा ट्रू फैक्ट है कि ज़िंदगी में कोई भी अपने नहीं रहते सिवाय आपके मम्मी और पापा. भाई बहन रिलेटिव्स वो तो रहते ही हैं, बट मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं जो कि आपके सबसे करीब और सबसे अपने रहते हैं, ठीक. तो इसीलिए हमेशा उनको स्पेशल फील करवाना, ये तो मदर्स डे फादर्स डे बस एक ऐसा ही दिन रहता है उनको बस स्पेशल फील करवाने के लिए, बट ऐसा कुछ पर्टिकुलर डे नहीं रहता. हमेशा उनको उन लोगों के लिए फादर्स डे होता है, हमेशा उन लोगों के लिए मदर्स डे होता है, ठीक है. तो स्पेशली फादर्स डे में ऐसा कुछ करो जिसमें से कि आपके पापा को कुछ स्पेशल फील हो. ऐसा कुछ सरप्राइज़ दो जो कि उन लोग को भी चाहिए सरप्राइज़, ठीक है. हमको लगता है कि पापा तो है, उनको क्या सरप्राइज़ चाहिए. पापा को तो सब कुछ आता है, वो तो हमने उनको सुपर हीरो बना दिया, ठीक है. नॉट ऑल सुपर हीरो वेयर कैप, सम आर कॉल्ड डैड्स, ठीक है. ये तो सही सब लोगों ने सुना होगा, आज मैंने सुबह में पोस्ट किया था. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सुपर हीरो है मतलब उनको कुछ नहीं चाहिए. उनको भी प्यार चाहिए, उनको भी अफेक्शन चाहिए, उनको भी थोड़ा सा स्पेशल फील करवाओ कभी कभी, ठीक है. उनको भी कभी घुमाने ले जाओ, ठीक है. उनको भी कभी उनका जितना भी शौक है उनको पूरा करवाओ, ठीक है. वो भी स्पेशल फील करे, उनको भी थोड़ा खुशी दो, ठीक है. हमेशा हमको एक लगता है कि नहीं वो तो पापा है, उनको तो सब आता है, सब कुछ उनके पास है, तो उनको और क्या दे. बट देने वाला बहुत कुछ चीज़ है उनको भी देने के लिए, छोटा छोटा चीज़ में भी उनको खुशी मिलता है. तो हम ट्राई करेंगे कि उनको थोड़ा सा फील करवाएं मम्मी और पापा को, ताकि हमारा जो एक मिसकॉन्सेप्शन रह गया है कि मम्मी पापा तो सब कुछ होते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको दे देने से भी उनको क्या फ़र्क पड़ जाएगा छोटा छोटा चीज़ में. बट फ़र्क पड़ता है, ठीक है. चाहे वो मम्मी हो चाहे वो पापा हो, फ़र्क पड़ता है. दे के देखो,
ठीक है, देखे देखो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग भी ट्राई करो एक बार जाके खुल के पापा से बात करने के लिए, खुल के सब कुछ शेयर करने के लिए। आपको जैसे पता है बॉयज लोग के अंदर, मतलब जैसे गर्ल्स लोग चलता है पापा, मतलब पापा और बेटी, मम्मी और बेटा, ठीक है, इन लोगों का रिलेशन थोड़ा अच्छा होता है। पापा और बेटा का मतलब रिलेशन तो बहुत पक्का रहता है, बट खुल के जो शेयर करने वाला चीज वो बहुत कम रेयरली हो पाता है। हम कुछ सोच रहे और डायरेक्टली जाके पापा को बोल देंगे, ऐसा होता है कि हम मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी जाओ ना पापा को थोड़ा बोल दो, हम जाएंगे दीदी के पास, दीदी थोड़ा पापा को बोल दो, भाई क्या बोल, भाई 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 थोड़ा जाना पापा को बोल दे, तू क्यों नहीं बोल रहा, फिर हम क्यों नहीं बोल रहे, नहीं नहीं हो पाएगा, तुम जाके बोलो फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा आप लोग भी रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक रहता है मतलब पापा को हग करने के लिए, बॉयज़ मतलब जो बेटा होता है वो पापा को हग करने के लिए मतलब एक रहता है, ठीक है। फिर करने के बाद बहुत सुकून मिलता है, बट एक रह जाता है कि हम कर पाएंगे क्या, पापा मतलब डांटेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है छोटे टाइम में, बचपन में बहुत मार खाए हैं, ठीक है, बट फिर भी वही रेस्पेक्ट बना हुआ था कि नहीं, जो भी सिखा रहे हैं कुछ अच्छे के लिए वो सिखा रहे हैं, और जिनके लिए कि हम अभी जो भी कर रहे हैं जहाँ पे भी हम हैं उन्हीं पापा और मम्मी के बदौलत ही हैं। तो हमेशा लास्ट बात यही बोलना चाहूँगा कि मम्मी पापा को कभी भी दुख मत देना, जो भी छोटा मोटा खुशी दे पाओगे दे दो, ठीक है, मतलब देने से ही बढ़ेगा। और हमारा दिमाग में जो रह जाता है देने से क्या होगा क्या नहीं होगा, उतना मत सोचो, जस्ट बी देयर एंड फील देम स्पेशल, ठीक है, मम्मी पापा को थोड़ा स्पेशल फील करो, फिर देखो उनके मन में जो छोटा छोटा खुशी रहता है वो बहुत ही एक सुकून देता है सबके लाइफ में, ठीक है। बस यही, तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू, और ज़्यादा बड़ा लेंदी नहीं करना चाहता, हो सके तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे नियर एंड डियर वन के साथ, ताकि जो भी फादर्स इसको देख रहे हैं वो लोग, उन लोगों को थोड़ा बहुत स्पेशल फील हो, और उनका ब्लेसिंग हमको पता है, उनका ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ था, आपके साथ अभी भी है, और हमारे साथ हमेशा के लिए रहेगा, चाहे हम इतने भी बड़े बन जाए, चाहे हम कुछ भी ना करें, चाहे हम कुछ भी करें, ठीक है, वो हम हमेशा उनके लिए एक छोटा बच्चा ही रहेंगे, ठीक है। अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अगर बहुत एक मतलब दूर जाना जाऊंगा कहीं पर जर्नी में, तो अभी भी आप बोलते हैं कि ठीक से जाना, वरना बस से जाना, बाइक से मत जाना, ठीक है, कहीं पर कुछ हो जाएगा। अभी रिसेंटली मैं एक लंबा जर्नी करके आया, मुझे अभी भी पता है, मैं शेयर कर दे रहा हूँ आपके साथ, कि जब मैंने बोला पापा को, मैं बोलने में मतलब मैं आपको जैसे बोला कि मैं बोल नहीं पाता था डायरेक्टली, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ऐसा ऐसा बात है मुझे जर्नी करना है इतना दूर एक साथ, और तो मम्मी डायरेक्टली बोल दी, बेटा सोच मत, ठीक है, अलाउ नहीं करेंगे पापा, चुपचाप बस में आ, ठीक है, और गाड़ी को और एक जगह में लोड करके ले आ। तो हम फिर बोले नहीं, थोड़ा ट्राई करो, मम्मी बोले नहीं नहीं मैं ट्राई नहीं करने वाला, तुम पापा से पूछो। फिर हम पापा को डायरेक्टली कॉल किए, बोले कि ऐसा ऐसा बात है और हम जाना चाहते हैं, और हमारे साथ एक दोस्त भी जाएगा हमारा, तो एक दो जन एक साथ चले जाएंगे बाइक में, बट जर्नी अराउंड 250 किलोमीटर का अराउंड होगा। पापा पहले तो बोले देख सोच समझ के डिसन ले, और अगर आ पाएगा तो आ जाना, ठीक है, बट फिर मान गए, मतलब ऐसा है कि पहले तो बोले कि नहीं इतना दूर है कैसा आएगा कैसा नहीं, फिर जब हम बोले दोस्त एक आएगा तो मान गए, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है कि डायरेक्टली हम कुछ फील करने शेयर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट लगभग हो जाता है, और हमेशा जितने भी हम बड़े क्यों ना हो जाए, जितने भी हम एज में बड़े क्यों ना हो जाए, बट हमेशा हम उनके लिए छोटा सा बच्चा की तरफ ही रहता है, और वही केयरिंग वही लव वही अफेक्शन ही वो लोग दिखाते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसा छोटा छोटा बात में, बहुत बार ऐसा होता है कि मोबाइल वो पकड़ रहे हैं और कुछ मतलब समझ में नहीं हो रहा उनको, और वो बार बार पूछ रहे हैं ऐसा कि ये क्यों हो रहा है, ये सेटिंग क्यों नहीं हो रहा, तो हम कभी कभी भड़क जाते हैं कि क्या पापा ये सब नहीं आता आपको। बट ये भी सीखना चाहिए कि जब हम छोटे थे, जब हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो छोटा छोटा काम को वो हमको ही सिखाए, तो वो तब इरिटेट नहीं हुए, तो हम क्यों अभी इरिटेट हो रहे हैं, ठीक है। ये छोटा छोटा बात है, अभी बोलने में सब बहुत कुछ निकल जाएगा, बट और ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता मैं वीडियो को, तो बस आज के लिए इतना ही, एंड आई होप ये वाला वीडियो स्पेशल वीडियो सारे पापा को तक आप पहुँचाएंगे, और जहाँ पे भी पापा आपके पास हो, दूर में हो, कहीं पे भी हो, बट ये हमेशा याद रखेंगे उनका ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ था, है, और हमेशा के लिए रहेगा, और हमको इतना अच्छे से अपने आप को प्रूफ करना है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मम्मी और पापा को हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेशल फील करवा पाएँ, प्राउड फील करवा पाएँ, उससे बड़ी खुशी ज़िंदगी में और कुछ नहीं, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, और थैंक यू सो मच, जितना हो सके वीडियो को शेयर करेंगे, और फिर अगर आप लोगों का कुछ मोमेंट्स है, आप लोगों का कुछ शेयर करना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट 50th एपिसोड में, स्पेशल एपिसोड में, अच्छा एक कंटेंट को लेके। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, जय जगन्नाथ।